हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग बात कर रहे हैं आईएमपी लेक्चर के अंदर स्टैटिस्टिक्स के अंदर नवंबर 2023 के पेपर पेपर स्टाइल कैसी होगी, पेपर कौन कौन से यूनिट्स में से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते थे, थियरी कितनी करनी है, क्या करना है, सारे आंसर्स यहां पे मिल जाने वाले हैं। सो मैं डॉक्टर उदयन कच्छी, ये लेक्चर के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन, उसका एप्लीकेशन, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपरजोमेट्रिक प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक, लॉट कंट्रोल, देखो ये और ये तीन यूनिट आपके लिए बहुत इजी रहेंगे। इसके अंदर पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन हाइपरजोमेट्रिक के अंदर 11th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक आता था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए तो ही आप लोग सम कर पाओगे। डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर कुछ सम्स नहीं होंगे क्योंकि जो बड़े बड़े अमाउंट है। तो यहाँ पे प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक और लॉट कंट्रोल टेक्निक, ये दोनों चीजों के अंदर फॉर्मूला बहुत ज्यादा है, तो फॉर्मूला को अच्छी तरीके से याद कर लेना। फॉर्मूला में अगर गलती कर ली तो दिक्कत आएगी। दूसरा, रिपीटेटिव टास्क बहुत है पूरे चैप्टर के अंदर, रिपीटेटिव टास्क बहुत है मतलब ये सारे चैप्टर्स के अंदर, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी सम्स करने के लिए कि क्या क्या चीजें फाइंड करनी है, किस हिसाब से करनी है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ साथ में यूनिट वन जो होता है इंटीग्रेशन एप्लीकेशन, ये आप लोगों ने साइंस से 12th स्टैंडर्ड के अंदर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट्स उसके देखे हुए थे, पर क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसको डिटेलिंग के अंदर नहीं जा रहे, मैं आप लोग को ये बोलूँगा इसकी थियरी हो सके उतना कर लो। सम्स अगर समझ में आ रहा तो ठीक है, वरना सम्स के अंदर जितने स्टेप्स समझ में उतने करके जाना, ज़्यादा लोड मत लेना क्योंकि थियरी के अंदर आप लोग कवर अप कर लोगे। 7 मार्क्स जितना कवर अप हो जाएगा, 14 मार्क्स, तो 7 मार्क्स का एक खाली क्या है आपका, हो सकता है कि आपका रिस्क रहे, उसके अलावा कोई रिस्क नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोग डेफिनेटली कर सकते हो। जब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, तो पेपर स्कीम क्या क्या चीज हो सकती है, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 के अंदर है ना, कुछ यही स्कीम आने वाली है। 7 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम, या तो 7 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम। तो सिंपल सी बात है, ऐसा नहीं है थियरी एक साथ है और सम एक साथ है, मतलब आप थियरी करके गए तो सम में से छूट जाओगे, ये नहीं होने वाला। आपका थियरी और सम ये दोनों का कॉम्बिनेशन आने वाला है, तो ये थोड़ा दिमाग में रख के चलना कि ये सर मेरा थियरी और सम दोनों का कॉम्बिनेशन आ सारे के सारे यूनिट्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, वन लाइनर लिख दिया, ये वन लाइनर हो सकते हैं, या तो शॉर्ट सम्स हो सकते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। यहाँ पे एमसीक्यू के चांसेस कम हो जाते हैं, तो ये खाली ध्यान समझ लेना और उसमें से 7 कुछ चीज़ें करनी, तो आपको शॉर्ट सम्स सभी आएंगे जब आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से आती है। तो वापस से मैं फॉर्मूला पे स्ट्रेस करता जा रहा हूँ, समझ लेना। अब यूनिट नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 1 में क्या क्या चीज़ें, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वो एक कर लेना, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल एंड स्टैंडर्ड रूल्स क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है और यूज़ कहाँ पे होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ फाइनाइट इंटीग्रेशन, टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल रेवेन्यू फंक्शन, एवरेज कॉस्ट फंक्शन, ये क्या चीज़ होती है। सम मैंने देखे रखे, जिन बच्चों को सम करने हो वो कर सकते हैं 1920 के अंदर, तो 16, 20, 22, 37, 43, 44 ये वो कुछ सम्स है जो आप डेफिनेटली करके जा सकते हो। ये नंबर जो है वो 1920 के हिसाब से मेरे पास जो बुक थी उसके अंदर से दिए हुए, तो खाली इसको अच्छी तरीके से कर लेना। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो जिस दोस्त के पास हो उसके पास से सम नंबर मंगवा लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं स्पेसिफाई नहीं कर सकता हूँ, तो इतना आप लोग कर लोगे तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं। भाई वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एग्जाम्स कैसी जा रही है वो आप कमेंट के अंदर बता सकते हो, और अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो थैंक यू लिख दो, अच्छा लगता है देखने में और पढ़ने में। हेलो, वी हैव लॉन्च स्पेशली फॉर गुजरात यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स बीकॉम साइंस 6 का कोर्स, ठीक है। यहाँ पे आपको अगर बहुत सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं देने वाली, डोंट वरी, आप ऑलरेडी आईएमपी सेशन देख रहे हो, मैं आपको खाली बेसिक चीज़ें देने वाली हूँ कि ये कोर्स में क्या क्या है, क्योंकि आपका सेम 6 रिलेटेड है और आपका सेम 6 अब इम्पॉर्टेंट, अब उसके बाद आपका बीकॉम टाटा बाय बाय हो जाएगा। मैं आपको बोलने वाली हूँ कि किस हिसाब से चलने वाला है। हम जो है ये पूरे कोर्स में आपका 6 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करने वाले हैं, उसमें 3-3 यूनिट्स आपके कवर होंगे और सीसी हम लोग कवर नहीं करने वाले, ये पहले से मैं बोल दे रही हूँ, इसलिए आपको ऐसा नहीं। ये कोर्स किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो साथ में सीए प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, सीए सीएस, या तो कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो फिर उन लोगों के लिए भी है जो साथ में जॉब भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर जो बनाया गया है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। उतने ही हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे, कॉन्सेप्ट वैसा ही होगा जो एकदम इजीली आपका हो जाए, सीधी बात, नो बकवास, कि ये वाला कॉन्सेप्ट देख के जाना, उसके रिलेटेड ही समझाएंगे ये वाला। तो उस हिसाब से हम लोगों ने पूरा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर डिसाइड किया है, ठीक है। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मैंने बोला कि आपको पास्ट पेपर्स के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे पिछले 3 साल के प्रैक्टिकल एग्जाम प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, तो आप एक बार वो भी गो थ्रू करके आपको भी आइडिया आ जाएगा। MCQ सॉल्व आउट आपको मिला हुआ है तो आपको वहाँ पर वो भी मिल जाएगा,
साथ ही साथ में दूसरा एक क्वेश्चन ये आएगा, ये ऑफर वैलिड है 30th November 2023 तक का ही कि आपको ये प्राइस पे मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी स्टूडेंट होता है जो एंड मोमेंट पे मतलब December 15 को जगता है कि मैंने आपका वीडियो देखा था और उस टाइम पे, तो देखो भाई वो इनजस्टिस हो जाता है जिन लोगों ने उसके पहले। तो ये सबके लिए हम लोगों ने बोला है कि 30 नवंबर के पहले हमारे जो सेम 5 के स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर एनरोल कर रहे हैं सेम 6 में, और जो नॉर्मल सारे लोग जो उसके पहले कर रहे हैं तो वो 3500 में हैं, और जो लोग ऐसे हैं कि उसके बाद आएंगे तो उसका प्राइस ये हो जाएगा, ठीक है। और आपको और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक योर टाइम मोर, अब आप IMP सेशंस देखिए। हम लोग शुरुआत कर लेते हैं यूनिट नंबर 2 के अंदर। यूनिट नंबर 2 के अंदर मैंने यहाँ पे बोला आपको थियरी और सम का कॉम्बिनेशन। तो थियरी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फॉर्म पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और इट्स यूजेस, उसको याद रखना। उसके साथ ही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है, ये बहुत बार इंटरनल एग्जाम के अंदर इस बार बच्चों को पूछा हुआ है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। प्रॉपर्टीज ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या चीज है, प्रोबेबिलिटी मास ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और उसके यूजेस क्या है, तो ये कर लेना। सम मैंने यहाँ पे दिए हुए कौन कौन से, 1920 की एडिशन से वापस से मैं दे रहा हूँ। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ये सम है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के ये कुछ सम्स है, मैंने यहाँ पे नंबर लिख के दिए हुए। यहाँ पे 12 के अंदर बी और सी करना है, 14 के अंदर सी वाला सम करना है, तो ये कुछ सम्स आप लोग को करके जाना यूनिट नंबर 2 के अंदर। थियरी इतनी करके चले जाना तो आपको दिक्कत आने वाली नहीं। चलो फिर उसके बाद आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 2 के अंदर स्पेशल चीजें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर गुजरात बोर्ड के अंदर आया हुआ था। इन दैट केस अगर आपको याद नहीं है तो उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना तो ईजी रहेगा, वरना दिक्कत आ सकती है। चलो यूनिट नंबर 3 के अंदर वापस से कुछ थियरी और मैंने कुछ नीचे सम्स दे के रखे हुए। पहले थियरी की बात करो तो स्टेटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल SQC क्या होता है, उसके अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में कहाँ कहाँ पे काम आता है, ये भी बहुत बार पूछा गया हुआ है भाई। थियरी ऑफ रन्स और मॉडिफाइड लिमिट्स क्या होता है, इसकी शॉर्ट नोट पूछी जा सकती है। वेरिएबल चार्ट और एट्रीब्यूट चार्ट का डिफरेंस ये आपके बुक के अंदर दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक के अंदर ही दिया हुआ है, इस पर कर लेना। कंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्स बार आर बार किस तरीके से होता है, यूज क्या होता है सी बार का और उसका कंक्लूजन क्या निकल सकता है, पी चार्ट और एनपी चार्ट और साथ साथ में एनपी चार्ट और सी चार्ट का शॉर्ट नोट, तो ये कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है आपके पास क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा और उसके साथ सम आएंगे। सम कौन कौन से आने वाले, ये आने वाले, ये बंदे का नाम याद रखना, हो सकता है आपको 2 मार्कर के अंदर या तो 3 मार्कर के, सॉरी वो जो लास्ट में होता है 2 मार्कर वाले 1 लाइनर के अंदर पूछ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल किस बंदे ने क्या की चीज़ थी, तो ये नाम याद रख लेना अच्छी तरीके। तो ये मैंने क्वेश्चन दे दिया, आपके पास सारे के सारे लिस्ट आ जाते हैं यहाँ पे, अच्छी तरीके से आप लोग कर सकते हो। लास्ट यूनिट की अगर मैं बात करूँ यूनिट नंबर 4 प्रोड्यूसर रिस्क और कंज्यूमर रिस्क, यहाँ पे फॉर्मूला पे ध्यान दे देना। ओसी कहू क्या होता है उसके ऊपर, ओसी कहू के अंदर ज्यादा मगजमारी मत करना, आप आराम से अपने सप्लीमेंट्री के अंदर ड्रॉ कर सकते हो, कुछ नहीं। पर जहां पे ड्रॉइंग की बात है वहां पे मैं ये आपको बोलूंगा स्टैटिस्टिक क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, और यहाँ पे पेन का यूज मत करना, पेंसिल का यूज करना, तो हो सके तो आप पेंसिल लेके जाना अच्छी तरीके से। दूसरा, व्हाट इज द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या है, AQL, LTPD, AOQ और AOQL, ये क्या क्या चीज है, वो सारी चीज अच्छी तरीके से समझ के जाना। इसके फुल फॉर्म्स पूछे जाते हैं कई बार, अच्छा बोले ऐसा होता है, तो फुल फॉर्म्स को भी कर लेना, ये बच्चे भूल जाते हैं सारी चीजें। सिंगल सैम्पलिंग प्लान क्या होता है, और लेटेस्ट बुक के अंदर ये जो सम नंबर है वो मैंने दे दिए, लेटेस्ट बुक के हिसाब से आप लोग कर लेना, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए। यूनिट नंबर 4 के अंदर ये कुछ सम्स है और ये कुछ थियरी है, इतनी ही चीज़ें करके जानी है। स्टेट्स के अंदर वापस से मैं बता रहा हूँ थियरी को करके जाना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं थियरी को करके नहीं जाते, उसमें दिक्कत में फंस जाते हैं और उन लोग की बैंड बच जाती है, तो ऐसी गलती मत करना, बिल्कुल भी मत करना। थियरी को अच्छी तरीके से कर लो, थियरी ज़रूरी है, थियरी होगी तो आपका 7 मार्क तो सिक्योर है, और हो सके वहां तक ये इको और मैनेजमेंट वाला रूल अप्लाई मत करना, गप्पम गप्पी मत लगाना, जितना आता उतना लिख देना, अच्छी तरीके से लिखोगे तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। क्लियर, डन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट IMP लेक्चर सीरीज के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा, हाउ्स यू। अरे भाई रुको, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो भाई, इतने सारे वीडियोस दे रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, आज संडे के दिन पे मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, और आप सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ 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 प्लीज़। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा।